हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। गलती आपके प्रयास की निशानी होती है जबकि सफलता आपकी निशानी होती है। मिस्टेक इज अ साइन ऑफ योर एफर्ट, सक्सेस इज योर साइन। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? दिस कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑलराउंडर लौरा मार्श हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। इसका राइट आंसर है इंग्लैंड। इंग्लैंड विश्व कप विजेता ऑलराउंडर लौरा मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 20 साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री have recently signed a cultural agreement to reinforce their strategic bilateral relation. Option है इजराइल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है इजराइल। भारत और इजराइल ने अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने के लिए एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच साहित्य, शिक्षा, सिनेमा आदि के क्षेत्र में सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? Which of the following capital has got first place in the category of capitals in the cleanliness survey 2020? Option है पटना, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने 20 अगस्त 2020 को घोषित स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में स्वच्छ सच राजधानी वाले शहर की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? Which of the following apps has been launched by Google for employment applications in India? ऑप्शन है क्रोमो जॉब ऐप, NGP Jobs App, By Hatke App, प्रवासी रोजगार ऐप। इसका राइट आंसर है क्रोमो जॉब्स ऐप। गूगल भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए आवेदन करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉइड ऐप का नाम क्रोमो जॉब्स ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकार किता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? रिसेंटली विच कंट्री प्रेसिडेंट इब्राहिम बाउबकार किता हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। ऑप्शन है कांगो, घाना, केनिया, माली। इसका राइट आंसर है माली।
पश्चिम अफ्रीकी देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर किता ने अपने पद से 18 अगस्त 2020 को इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। हाउ मेनी थाउजेंड रुपीज विल बी गिवन टू 61 नीडली प्लेयर्स इन व्यू ऑफ हॉकी इंडिया कोविड एपिडेमिक। ऑप्शन है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 10,000 रुपये। इसका राइट आंसर है 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज। हॉकी इंडिया कार्यकारी बोर्ड ने कोरोना संकट को देखते हुए बेरोजगार सीनियर एवं जूनियर 61 खिलाड़ियों को तत्काल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है। हाउ लॉन्ग हैज द ऑनलाइन नॉमिनेशन प्रोसेस बीन एक्सटेंडेड फॉर सरदार पटेल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड। ऑप्शन है 25 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 30 नवंबर 2020। इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2020, 31st October 2020। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है। According to Clean Survey 2020, which of the following is the cleanest city? Option है इंदौर, चंडीगढ़, रायपुर, पुणे। इसका राइट आंसर है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश भर में लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है। इंडियन कैप्टन विराट कोहली रिटेन्ड वर्ल्ड पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ बैट्समैन इन द लेटेस्ट टेस्ट रैंकिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका राइट आंसर है दूसरे, सेकंड। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर बरकरार है, जिसमें शीर्ष 10 में दो अन्य भारतीय बल्लेबाज भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक खचुए की खोज हुई है। रिसेंटली इन विच कंट्री आ टूटल बोन विद गोल्डन शेल हैज बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन है भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर है नेपाल। नेपाल में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। इसका यह रंग बेहद दुर्लभ जेनेटिक म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से होता है, जो उसके पिगमेंटेशन को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड ने किसको राष्ट्रीय वितरण के एमडी और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया।
who was appointed as the MD and head of national distribution by DBS Bank India Limited. Option है राहुल सचदेवा, अमित त्यागी, प्रशांत जोशी, मोहन झा. इसका राइट आंसर है प्रशांत जोशी. DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को प्रबंध निदेशक MD और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है. थैंक यू. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना. थैंक यू.